हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईटीसी के शेयर पे। आज देखी जा रही है बढ़िया तेजी शेयर में। अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बाय करा रहा हूँ 202 के लेवल्स पे, तो दबा के बाय कराया था। साफ साफ बोला था कि रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवर में है, यहाँ से तो पक्का बाय करना चाहिए। और अगर SLB होता है तो सिर्फ 2 पॉइंट्स का था और टारगेट आपका 15 से 14-16 पॉइंट्स का था। तो गाइस, टारगेट की बात करें जो 213 से 15 के लेके चल रहे थे या 18 तक के भी थे फाइनल टारगेट, ऐसे में शेयर आपको 211 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। यानी कि वहां से 9 रुपए का आपको रिवॉर्ड अभी मिल चुका है अगर आपने पोजीशन बनाई थी तो। अभी आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे साथ किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं आईटीसी के बारे में। अगर आज के दिन देखा जाए तो 16 मिलियन के वॉल्यूम्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं, 23 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है और शेयर 211 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 206.50 का डे लो है। गाइस, ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अभी की तेजी के बाद क्या आपको फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए? तो गाइस, मेरे हिसाब से आपको फ्रेश एंट्री नहीं बनानी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके दो रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि कल शेयर के रिजल्ट्स आने वाले हैं और किसी भी इवेंट से पहले मैं कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो कल रिजल्ट आने दीजिए, मंडे को शेयर ऊपर जाता है जाने दीजिए, नीचे आता है तो बाय करेंगे। अभी बात करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। गाइस देखो, आपने अगर 202 या 205 के अराउंड बाय करा है तो बहुत ही अच्छा लेवल है, वो रेंज का लेवल है। शेयर की रेंज आप सभी को पता है 200 से 220 की चल रही है और अभी जो शेयर है ये ऊपर की रेंज टेस्ट करने जा रहा है, यानी 220 के पास। अगर आज के दिन शेयर में 215 और 16 के लेवल देखने को मिले और कल रिजल्ट्स आए बहुत ही ज्यादा शानदार, मतलब अनुमान से ज्यादा शानदार आ गए, तो कहीं ना कहीं रेंज ऊपर के लेवल्स पे ब्रेक हो जाएगी और शेयर ऊपर चला गया और रिजल्ट्स आए नॉर्मली, तो शेयर वहीं मेरे हिसाब से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जहां मैंने आपसे कहा कि शेयर में बहुत ही बड़ी बाइंग चल रही है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अगर जून के क्वार्टर में, जून के मंथ में देखें तो आप सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने जो शेयर खरीदा है सेकंड नंबर पे आईटीसी का है, 1200 करोड़ की बाइंग होती हुई दिखी है इसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो ये काफी बड़ी न्यूज थी अपने आप में, जिसके चलते मैंने आपको 205 पे भी शेयर दोबारा बाय करने को बोला था। ऐसे में काफी फ्रस्ट्रेटेड लोग ये भी कहते हैं कि ये शेयर नहीं चल रहा पिछले कुछ साल से, पिछले कुछ महीनों से ये वो, तो उन सब का गुस्सा जाए जाए इस शेयर पे, क्योंकि ये शेयर काफी दिनों से रियली में नहीं चला, एक रेंज बाउंड हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि आईटीसी ही नहीं, बहुत सारे FMCG शेयर हैं जो रेंज बाउंड हो गए हैं। आप ब्रिटानिया देख लीजिए, नेस्ले देख लीजिए, हुल देख लीजिए, इनफैक्ट HUL के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं बट फिर भी वो शेयर अपनी रेंज में ही काम करता हुआ दिखता है हमें। तो गाइस, FMCG मेरे हिसाब से पिछले कुछ महीनों में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका आईटीसी ही अंडर परफॉर्म करा है। गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये शेयर। मेरे हिसाब से 300-350 के लेवल आने चाहिए इस शेयर में कहीं ना कहीं, अगर आप पेशेंस रखते हैं तो। शेयर आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है और काफी टाइम से टेस्ट कर रहा है, इसलिए काफी फ्रस्ट्रेटेड लोग इसमें से भाग भी चुके हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है शेयर का ऊपर ना जाने का कि बहुत ही हैवी क्वांटिटी में इक्विटी मार्केट में अवेलेबल है। 220 पे अच्छी खासी पब्लिक को पता है रेंज बाउंड है, पेल देते हैं शेयर को और दबा के बिकवाली कर देते हैं, जिसके बाद शेयर दोबारा नीचे आ जाता है और नीचे के लेवल पे वो दबा के बाइंग कर लेते हैं कि दोबारा ऊपर के लेवल पे आ जाता है। बट शेयर में कहीं ना कहीं आपको लेवल टूटते हुए जल्दी दिखेंगे। इसका कारण ये है कि LIC जो कि अपना IPO ला सकती है अगले साल फेब से लेके अप्रैल में, और उसे अपना IPO लाने से पहले 15% से कम करना होगा ITC में स्टेक, और उसका करंट स्टेक अराउंड 16.7 के अराउंड है। तो अगर वो अपना स्टेक बेचती है तो इस शेयर में कहीं ना कहीं लेवल आपको टूटते हुए दिखेंगे नीचे के लेवल पे, लेकिन ये लेवल टूटने के बाद शेयर ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि शेयर भागने से पहले एक कदम पीछे लेता है। तो कहीं ना कहीं एक लेवल तो तोड़ना ही होगा शेयर को ऊपर जाने के लिए, चाहे वो नीचे में ही क्यों ना तोड़ दे तो भी ऊपर जाएगा, और ऊपर में तोड़ेगा तो फिर ऊपर जाना ही जाना है। गाइज, ओवरऑल मेरा ITC पे बहुत पॉजिटिव व्यू है, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी है इन स्तरों पे,
क्योंकि कल है इवेंट, बाकी मुझे ये नहीं लगता शेयर बढ़ गया, लेकिन कल इवेंट है इसके चलते हमें फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है, कल शेयर के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट शानदार आए तो परसों के दिन बात करेंगे कि शेयर में क्या करना चाहिए। तो ये है मेरी वीडियो ITC के शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।